हमारे घर में थी सूर्य मुजम्मिल, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो गई, पर मैं शूट नहीं कर पाई। बिलाद भी हमने किया था छोटा सा, पर मैंने शूट नहीं किया, मैं बिल्कुल भूल गई, काम के चक्करों में कुछ याद नहीं रहा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैंने जो ड्रेस वेयर किया था वो है मेरी बर्थडे वाला, जो कि मैंने बर्थडे पे पहना था वही है। और ये रही देख, तो मैं ज़्यादातर लोग खा के जा चुके हैं, तो बस अब थोड़ा सा खाना है और अब यहाँ से सफाई शफाई करते हैं और फिर खाते हैं खाना। मेरा दूध भी बॉयल हो चुका है और किचन काफ़ी हद तक मैंने क्लीन कर लिया। बर्तन जो है आएगा ऊपर वॉश कर रही है और मैं नीचे वाले घर की हालत को सुधार रही हूँ। तो मैंने कहा भी थोड़ी सी अब व्लॉग बना लेते हैं, पहले तो बना नहीं, पहले अभी मुझे मामा से भी डांट सुननी पड़ेगी कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सच में मुझे इतना काम था कि मुझे याद ही नहीं रहा, अब मुझे गिल्ट हो रहा है यार, बना लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का सालन। और इससे जो पिछला व्लॉग देखा है, इसके पिछला दिन था वो जिसमें मैंने शूट नहीं किया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतना ज़्यादा काम था। फिर आपको पता है जब घर में कोई कुरान खानी हो या कुछ भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम में टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर हमने मिलाद भी किया था, उसमें भी मुझे याद नहीं रहा कि मुझे व्लॉग बनाना है और बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है जाने देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, नेक्स्ट डे है और यहाँ पे आलू बैंगन बन रहे हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने चॉपर के अंदर जो है प्याज को क्रश कर लिया था, और इसके अंदर अब मैंने डाला है 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, और 1 ही चम्मच में इसके अंदर, एक नहीं आधा चम्मच में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि बैंगन के अंदर लहसुन अदरक जो है मामा कहती हैं कम डालते हैं। तो मामा ने मुझे रेसिपी इसकी प्रॉपर दे दी थी, तो मैंने कहा वैसे ही बनाते जैसे जैसे मामा ने बनाया है। तो जी आज का व्लॉग भी मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया, जैसे कि आपको पता है उसके बाद कुरान खानी जैसे हमारी ख़त्म हुई उसके बाद समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। घर को भी दोबारा असेंबल करो, चीज़ें जगह पे रखो, और समेटते समेटते काफ़ी टाइम हो जाता है। रात को हम लोग लेट सोए, फिर उसके बाद सुबह भी लेट ही उठे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी तो मैंने कहा दोपहर में ही व्लॉग जो है मैं स्टार्ट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा इसको साथ में ही व्लॉग को अटैच करके आपको दिखा देते हैं। ये 2 दिन का हो गया, बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कुरान खाने वाले दिन, ज़्यादा तो मैं बना नहीं सकी जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर प्योरी, जो कि फ्रीज है। तो अब हमने क्या करेंगे, इसके ऊपर लिड लगा देंगे ताकि जो टमाटर प्योरी है वो अच्छी से, जो फ्रीज़ हुई हुई है वो मेल्ट हो जाए। तो जी आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि आप लोग किस किस शहर से देखते हो, वहाँ पर आप लोगों का कैसा मौसम है। आजकल कराची में गर्मी भी है, कभी बारिश भी हो जाती है, पर जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो जाता है, बहुत अच्छा। तो गर्मी भी है और कभी मौसम अच्छा भी हो जाता है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जो गर्मियां हैं वो सर्दियां गुजार के जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आपका कुछ करने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है बंदा सुकून से बैठ जाए, कोई काम ना करे, क्योंकि वाकई गर्मी में आपसे काम बिल्कुल भी नहीं होता, स्टेमिना बिल्कुल लो हो जाता है। तो जी साथ साथ हमारा खाना भी बन रहा है बहुत ही मज़ेदार से, बैंगन आलू, जो कि हम सबका काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, तो हमने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो आज साथ में राइस भी बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर प्यूरी जो है अच्छे से मेल्ट भी हो चुकी है, जो फ्रीज हुई भी थी हमारी। जी सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, थोड़ी सी, बहुत कम सी हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। और सेकंड हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़ीरा धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। तो जी मेरी मामा गई हैं काम से कहीं बाहर, तो जिसकी वजह से वो मुझे प्रॉपर रेसिपी दे के गई थी, और मामा देख लिया ना मैंने फॉलो की है, एक भी चीज़ इधर उधर नहीं की मैंने, और कहीं मिस्टेक हो तो मामा नीचे आप भी कमेंट कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, और अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, थोड़ा सा हम इसको अब भूनेंगे मसाले को, आई थिंक यही था और तो कुछ नहीं था, हाँ मिर्च पाउडर पाउडर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिंट पाउडर, जो कि मेरी मामा हर हांडी में ऐड करती हैं, तो इतना रखा ही काफ़ी होगा, काफ़ी
में इतना ये भी डाल दिया, अब ये अच्छा बने। मैंने मेहनत बहुत की है और उसने बहुत ही ज़्यादा दिल के साथ बनाया है, दिल मतलब कि लगाई दिया मैंने उसके अंदर। तो अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आलू। आँच को कर देंगे हल्का। आलू हम इसलिए इसके अंदर पहले डाल रहे हैं क्योंकि आलू गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी आपके जो आलू होते हैं ना वो बहुत लेट होते हैं, वो गलते नहीं हैं, तो इसलिए आप पहले ही डाल दो ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, इसलिए ना मतलब कि गल जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर और इसके अंदर मैं इतने ज़्यादा आलू इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आलू बैंगन में आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे घर में सबसे ज़्यादा आलू खाया जाता है, तो इसलिए मैं इसमें आलू ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ऐड करें, अगर कम खाते हो तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा। तो आलू मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। पहले इसको भून लूँगी थोड़ा थोड़ा सा। मामा ने कहा था आलू को भून लेना मसाले के अंदर, ब्राउन ब्राउन से हो जाए, आई थिंक ऐसे ही कहा था, पता नहीं मैं करेक्ट कह रही हूँ कि नहीं। खैर अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और ढक्कन लगा के रख देंगे। और बैंगन हम इसमें एंड में इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारे जो बैंगन है वो हमने एक दिन पहले ही कट करके उसको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल के अंदर स्टॉक कर लिया था, जिसकी वजह से हम बैंगन को एंड में डालेंगे। और ये रहे बैंगन जो कि पहले से ही रेडी हैं, मतलब कि हाफ डन है, हाफ के पूरे डन है, तो बस इसके मसाला बनाने के बाद इसके अंदर ऐड करना था। ये मेरा छोटा सा काम था, बाकी अब हम इसको कर लेंगे मिक्स और इसके अंदर पानी डालेंगे, आलू को बुलाएंगे आलू को। बाकी अगर सॉल्ट देख लूँगी एंड में अगर कम लगा तो फिर मैं ऐड कर दूँगी। कम डाल दो, कम का जो है वो हल होता है, ज़्यादा का नहीं होता, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। और अब मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो मैं पानी रोक गई, तो जी पानी मैं लेके आ गई हूँ अपने इसके अंदर। ये जो बड़ा वाला आप लोगों के घर में सबसे बड़ा जो स्टील का ग्लास है वो डाल दो, ज़्यादा शोर भी ना बन जाए, इसे डांट पिटे मम्मा से, जैसे ये ड्राई हो जाएगा, आलू गलने में काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसको पूरा ही डाल देते हैं। और जो है ना हल्की आंच कर देते हैं, अब हल्की आंच करके और अब लगा देते हैं लेड। और अब हम आपको तब मिलेंगे जब हमारे जो आलू हैं वो गल गए होंगे, मतलब कि फटाफट से बना लेंगे। और साथ में हमने अब करने हैं राइस बॉईल, तो साथ साथ उसका भी काम करती हूँ, किचन भी काफ़ी ज़्यादा मैस अप हुआ हुआ है, उसको भी क्लीन करती हूँ। चले जी बाय बाय। तो जी यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं अच्छे से, तो अब हम उसको कर लेते हैं चेक। मसाला बना है, अब आलू चेक करते हैं सब। वाओ गल गए, वाओ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बैंगन, बैंगन तो मैंने ना उसका भरता ही बना दिया, इसको बिल्कुल ध्यान से मिक्स करना, क्योरफुली ताकि अभी चीज़ें नीचे न गिरे। तो जी यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो बैंगन है हाफ डन तो हो चुके हैं, और बैंगन जो है वो मैंने पहले करके रख लिए थे, और इसको मैं ज़्यादा कीमा इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि फिर वो मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते, सारे अपने हिसाब से बनाते होंगे तो हमारे घर वालों को इस तरह ही पसंद है, बिल्कुल उसका मतलब कि मैश करके उसका भरता सा बना के, तो ऐसे ही अच्छे लगते, तो मैंने कहा ऐसे बना लेते हैं। तो जी यहाँ पर तकरीबन जो बैंगन है वो तैयार है, तो अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स, ध्यान से करना, ध्यान से। मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे
थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ में लेके ऐसे क्रश 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 चार्जिंग मेरी फोन की जा चुकी है तो इसी में करना पड़ेगा। और ये रहा धनिया जो कि हम इसके अंदर डाल देंगे, मैंने वॉश किया था। तो अब हम इसको कर देंगे मिक्स। और इसमें अब डालेंगे हम हरी मिर्चें। पेस्ट हमने ऐड किया था पर हम हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। तो जी लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इसकी लास्ट लुक आपको नहीं दिखाई, जैसे कि आपको पता है मेरे फ़ोन की चार्जिंग जो है वो डेड हो चुकी थी और चार्जर भी आजकल मुझे कोई सूट नहीं कर रहा, ख़राब हो जाते हैं एक ही हफ्ते में। तो साथ में मैंने राइस भी बॉयल कर लिए थे और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो सॉरी इसके लिए। तो बहुत मज़ेदार से हमारे वेगन बने थे। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देते हैं, दो तीन मिनट बाद हम फ्लेम का ऑफ कर देंगे और हमारे जो आलू बैंगन है वो हो जाएंगे रेडी। और साथ में जो है वो राइस भी बॉईल हो रहे हैं। तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग डेड हो चुकी है। तो अब मैं इसको चार्ज करती हूँ खाना खाते वक्त, फिर आपको इसकी लास्ट लुक दिखा दूँगी। ठीक है जी, बाय बाय।